अच्छा सुनो, हाँ तुमने भैया से पैसे क्यों लिए? तो वैसे भी उनकी माली हालत ठीक नहीं है। अरे तो क्या करते, भैया ने पहली बार कुछ दिया था, ऐसे मना करते अच्छा नहीं लगता ना। एक काम करते हैं, हाँ ये ATM कार्ड पकड़ो, हाँ और कुछ पैसे मिलाकर भैया के लिए कुछ ले लो। अच्छा ठीक है, हम भाभी को लेकर जाएंगे और कुछ ले लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ भैया, हाँ यही रुको, बस बस बस, अरे यहीं पर रुको ना। हाँ सॉरी भाभी, थोड़ा लेट हो गई। ये लो भैया अपने पैसे ले लो। चलो चलो, हमें ATM भी जाना है। आओ दीदी, आप हो ही अंदर, मेरा एक जरूरी फोन आ रहा है। अच्छा चलो तो बताते हैं। कुछ लेना है आपको? हाँ लेना है। क्या लेना है? अभी पता चल जाएगा। भैया 5 साल के बच्चे का कपड़ा दिखाइए ना। अरे दी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों, सागर हमारा भतीजा है, हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो बस भाभी, अब आप कुछ भी नहीं बोलोगे। चलो चलो भैया, भैया इसका बिल दे दीजिए। मैम दी एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, 1500 हुए ना? हाँ जी, थैंक यू। हेलो, देखो देखो सोना, फोन मत काटना, सोना मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है ज्यादा तुम समझ रही हो। और मैंने जो देखा वो, प्लीज मुझे फोन मत करो। ये लीजिए। अरे पॉलिथिन में तो दीजिए। एक मिनट भैया, बैलेंस पैसे? मैम ये नोट आपका नकली है। नकली है? हाँ जी, हम आपको दूसरा दे देते हैं। अरे हम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हेलो पल्लवी, पल्लवी क्या हुआ है? देखो क्या हुआ दी, कह रहे हैं कि नोट नोट नकली है। हाँ तो कोई बात नहीं, गलती से आ गया होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पल्लवी आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? पल्लवी प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पल्लवी तो श्रीमान, आपने इससे पहले इन औरतों को बाजार में कभी देखा है? सर आपने? लो भैया चाय पियो। अरे पंकज आइए, भैया आए हैं, कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं नहीं दी, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। अरे पर भाभी आज रुक तो जाओ। नहीं दी, वो कुछ जरूरी काम है। हाँ पर चाय तो खत्म करके जाओ। चलें? हाँ पर लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम उसके साथ अपनी और सागर की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मेरी बात समझने। आपका इंटरेस्ट मेरे पर्सनल लाइफ में ज्यादा और मेरे काम में कम है। तुमसे तो आजकल बात करना ही मुश्किल है पल्लवी। अंकल दुखी थे और चाहते थे कि मैं तुम्हें समझाऊं। पापा के लिए तो मैं हमेशा बची रहूंगी।
पर आपका इरादा क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। अरे मेरे साथ तुम लोग की लाइफ मुश्किल नहीं होगी। आप किसी गलत फहमी में हैं सर। जिस लाइफ की आप कल्पना कर रहे हैं वो कभी हो ही नहीं सकती। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और कल तक आपको मेरा इस्तीफा मिल जाएगा राइटिंग में। बाय सर। आज मैं तुम्हारी हर गलती माफ करती है, पर अब जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो क्या सोचा है, घर वालों को कैसे बताना है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आशु कुछ भी कर सकता है लेकिन ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ओ रहने दो, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। अब मतलब क्या है तुम्हारा? ले आशु के बाप ने आज तक कुछ नहीं किया तो आशु क्या करेगा? ओह देखो जी, रामचंद्र जी आ गए कलयुग में। मेरा मुंह मत खुलवाओ। इस बारे में बाद में भी बात कर सकते है ना, बहू के सामने सारी बात करने का क्या फायदा? तो बहू कौन सी बाहर की है, ये भी तो हमारे खानदान की है। इसको भी तो पता चलना चाहिए ग्वाले खानदान की करतूतें। तुम लोग सदियों से पीढ़ियों से बहुओं पे अत्याचार करते आए हो। हाँ ठीक है, पहले तू शुरू हो जा ग्वाले खानदान के बारे में जो बोलना है बोल दे, उसके बाद मैं पांडे खानदान पे शुरू हो जाऊंगा। मेरे खानदान पे मत जाना, बता दे तू। मुझे तलाक चाहिए। बंद खिड़की से ना भागे जाएगा आशु भाई, दरवाजा खुला पड़े से उरे। कौन है भाई तू और मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? तन्ने मारने की सुपारी मेरे कंदरी से। अरे भाई मजाक कर रहे हो, ले चाय पी ले। तू तो डर गया यार। ले पी ले भाई चाय से। आज पी के मरेंगे चाय। लव मरना क्यों है यार, तू भी बात करे पी ले। अरे देख क्या रहा भाई, चाय गर्म है यार, क्या बात है, ठंडी हो जाएगी। पी ले पी ले। ले बस जहर चाय में ना गिलास में था। देख रहे थे यार, मजाक कर रहे थे। देख मैं बात सुन, मैं सीरियस हूँ, मेरी खुद लगी पड़ी है। मुझे ये बता मैं यहाँ क्यों और कैसे हूँ। देख भाई हुआ यूं कि मैं शहर में फैले नकली नोट के कारोबार पे एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था और वो सीता और गीता का पीछा करते हुए वहां तक आया। भाई वहां पे आके मैंने देखा कि तू भी उनके पीछे लगा हुआ है। आशू भाई तेरे चेहरे पे टेंशन देख के मैं समझ गया कि अभय बेटा हो नो है ये तेरा काम खराब करेगा आज। जब तू उनकी तरफ आगे बढ़ा तो मैंने तेरे को रोक ली टंगड़ी उड़ा और तू नीचे गिर गया और तेरे भाई सर में चोट लग गई। बस यार उसके बाद मैं उठा के तेरे को यहाँ पे ले आया। अबे तो अड़ंगी देने की क्या जरूरत थी, मुँह के बल गिरता मेरे दांत बारा जाते। देख भाई इस टाइम पर जैसा जो मेरे को समझ में आया ना मैंने कर दिया,
यार समझ नहीं रहा आंसू भाई, अरे इन कन्याओं के आगे जहां और भी है, इस फेक करेंसी के इंतहा अभी और भी है। मतलब? मतलब ना समझा आंसू भाई? अरे ये लड़कियां तो सिर्फ एक मोहरा है आंसू भाई, इस गेम की असली हाथी घोड़ा राजा वजीर ना कोई और ही है। कौन है? तुम्हारा अपना फेवरेट प्यारा बाबा, बाबा मलमूत्र, मूल मंत्र। मूल मंत्रम। तो बात न्यूज है, ये बाबा नकली नोटों की कालाबाजारी का धंधा अपने सत्संग और समागमों से ही करता है, और बावड़े भक्तों की तो कोई कमी है नहीं, लाइन लगी रहती है वहां पे हमेशा। बाबा की खास चेलियां सीता और गीता, उनके थ्रू उसने एक बैंक के मैनेजर को सेंड किया हुआ है, और उस मैनेजर के जरिए ये लोग मार्केट में नकली नोट चलाते हैं। आजू भाई तेरे को क्या बताऊं, वो मैनेजर एक नंबर का धूर्त और रसी आदमी है वो, और मैनेजर ही क्या, शहर की पुलिस भी बाबा के साथ इस नेक काम में कंधे से कंधा मिला के साथ दे रही है। वो कहते हैं ना, बिना पुलिस के हाथ या साथ के किसी बड़े काम को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। वो सही कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो देवेंद्र सिंह, वो एक नंबर का भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, बाबा के सारे काले कारनामों पे पर्दा वो डालता है, और बदले में बाबा ने उसको माला माल कर रखा है। आजू भाई ये सारा का सारा सिस्टम बाबा ने ऐसा सेट किया हुआ है, एकदम फूल प्रूफ। अब देख, उस दिन मैंने तेरे को टंगड़ी मारी थी और तू गिर गया था, मैं उन दोनों का पीछा करते हुए एटीएम वैन तक आया था, जहाँ पे वो वैन के ड्राइवर लालू को नकली नोट देके उससे असली नोट ले रही थी, और ये उनका रोज का धंधा है भाई, समझा? हेलो, ओ भाई कित खो गया तू? बाबा से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले ये बता तूने अड़ंगे क्यों लगाई? यार तू अभी भी टंगड़ी में ही पड़ा सा है, जे टंगड़ी नहीं लगाता ना तो तूने सारा गुड़ गोबर कर देना था। अरे तो आज से सारा कर देता, अड़ंगी लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ जिस स्पीड से तू जा रहा था ना, बड़ा तेरे को मेरा हाथ दिखने वाला था, जे टंगड़ी नहीं लगाता ना तो घिस गया था। अच्छा माफी दे दे भाई, माफी दे दे। जा कर दिया माफ। अबे तू ये कर किस ले रहा है? आशु भाई बात एकदम साफ है, बड़ा रिपोर्टर बनने के लिए रिपोर्ट तो बड़ी लानी पड़ेगी, और आज की तारीख में बाबे से बड़ी न्यूज़ कोई और ना हो सके। तो अब क्या? अब तो ये सब भाई कि ये बाबा बड़ा ताकतवर है, इसको बल से तो लड़ ना सके, छल से लड़ना पड़ेगा।